आपको ये बुक मिल सके आपकी लाइब्रेरीज में या अमेजोन वगैरह पर, अगर आप ये लोग ले सकें ये किताब तो ज़रूर लें. The Explosive Child, A New Approach to Understanding Parenting and Easily Frustrated, Chronically Inflexible Children. ठीक, तो किताब जो है वो अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें ना बहुत सारे एग्जांपल्स दी हुई हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स दी हुई हैं, और ये जो रियल लाइफ एग्जांपल्स दी हुई हैं ये बहुत सारी चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करने में मदद देती हैं. स्टोरी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स हमारा कुरान भी जो है अल्लाह सुबहाना व तआला हमारी फितरत से वाकिफ है, जाहिर सी बात है उन्होंने हमें क्रिएट किया तो वो जानते हैं कि इंसान किस तरह से वर्क करता है. और स्टोरीज से हम कनेक्ट होते हैं किसी और शख्स से, हमारे अंदर जो एम्पैथी कंपैशन, जो किसी के लिए ख्याल, जो किसी के लिए रहम जज्बा पैदा होता है वो स्टोरी के थ्रू होता है. तो स्टोरी शुरू होती है. अच्छा पहले मैंने सोचा था कि मैं नाम थोड़े से चेंज कर लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं मैं बुक से पढ़ रही हूँ बता भी नहीं हूँ कौन सी बुक है, तो जाहिर सी बात है वेस्ट की बुक है तो वेस्ट के नाम है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉफल एपिसोड, दैट्स द फर्स्ट एंड इट्स अ स्टोरी. सो होता शुरू में यह है कि दिखाया कि एक फैमिली है जिसमें के जो फादर और मदर हैं उनके दो बच्चे हैं, जेनिफर जो है वो एज 11 की है और उसकी मॉम है डेबी और उसका भाई है 7-year-old रायली. ठीक है, और उनके फादर साहब भी हैं. अब होता ये है कि डेबी जो है वो यानी कि जो मदर है वो सुबह उठती हैं और वो कहती हैं कि मैं वॉफल्स बनाती हूँ, वो फ्रीज़र से वॉफल्स निकालती हैं और वो बनाने लगती हैं. तो इतनी देर में क्या होता है कि जो जेनिफर है, अब ये जेनिफर जो है वो बेसिक किरदार है, बिहेवियरल प्रॉब्लम इशू जो बच्चों का शुरू होता है वो बेसिक किरदार है इस पूरी स्टोरी का, और ये स्टोरी थ्रू आउट द बुक चलती है. तो डेबी वॉफल बना रही है, जेनिफर पीछे से आई है और उसने कहा अच्छा माँ तुम वॉफल बना रही हो, मैंने अपने लिए वॉफल रात को निकाल के रखे थे तो मैं बनाऊंगी. ठीक है, पीछे से उसका भाई आता है, जेनिफर का छोटा भाई रायली आता है और वो कहता है मामा मैंने भी वॉफल खाने हैं. अब वॉफल जो है वो थोड़े हैं, ठीक है, 4 हैं या 5 हैं, और जेनिफर के दिमाग में ये है कि मैं 2 आज खाऊंगी, मैं 2 कल खाऊंगी, ये मेरे हिस्से में है. जैसे ही भाई छोटा कहता है कि ये मैंने खाने हैं, और जो बहन है वो तैश में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है और वो पटकती है ज़ोर से, और माँ जो है ना जो छोटा भाई वो माँ के पीछे डर के मतलब छुप जाता है, और जो जेनिफर है वो पटकती है ये मेरा था, तुमने कैसे सोचा कि तुम खा सकते हो, तुम नहीं खा सकते हो. अब डेबी हैरान हका बका अपनी बेटी की तरफ देख रही कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, हम कल और ले आएंगे, कुछ भी कोई भी सोल्यूशन दे सकती हैं. लेकिन वो खुद दबक गई हैं, वो खुद परेशान हो गई क्योंकि उनको ये लगा कि वो उनको मारने के लिए आगे आ रही है या भाई को मारने के लिए आगे आ रही है. खैर जेनिफर ने क्या किया, जेनिफर ने उठाई जो उसके भी थे उसको भी उठाया, उनको भी फेंका, प्लेट पटकी, टूटा फूटा, और गुस्से से कमरे में चली गई. डेबी की आंखों में आंसू थे अपनी बेटी का ये रवैया देख के. ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था, जब से वो पैदा हुई थी वो इसी तरह से थी. इनफैक्ट जब वो पैदा हुई तो नर्सेज ने बल्कि मजाक किया और उससे ये कहा कि वाओ जो तुम्हारी बच्ची पैदा हुई है तुम्हें सही तिगनी का नाचना चाहिए. अब आप सोचें कि एक बच्चा पैदा हुआ है, पैदा हुए हुए बच्चे की का मिजाज कैसे जान लिया उन नर्सेज ने, कैसे इस तरह से कि. और यहाँ पे ऑथर जो है ये स्टोरी को स्टॉप कर देते हैं. डेबी खामोश हो गई, अब वो अपने शोहर के बारे में सोचे कि मेरा शोहर आएगा तो मैं उसको इस एपिसोड के बारे में बताऊं या ना बताऊं. कहानी यहाँ पे इख्तिताम पे नहीं पहुंची, पॉज हो गई है. और होता ही है कि डेबी अपनी हिस्ट्री सोचती है और सोचती है कि मैं जब से ये पैदा हुई है मैं तब से तकलीफ में हूँ, तब से परेशानी में, उसका गुस्सा कभी काबू में ही नहीं आता, चीखना चिल्लाना, मारना धोड़ना, रन. और फिर उसने एक बड़े मज़े की बात की, उसने कहा मैं साइकाइट्रिस्ट के पास गई तो उसने दवाइयाँ दे दी, मैं बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास गई तो उसने टाइम आउट्स दे दिए, मैं प्ले थेरेपिस्ट के पास गई तो उसने ढेर सारे खिलौने दे दिए, लेकिन मेरी बच्ची को उस खिलौनों में कोई वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था. हर तरह के थेरेपिस्ट के पास जाने के बावजूद मेरी बच्ची का कोई हल नहीं निकल रहा था, या मेडिकेशन थी वो हैवीली मेडिकेटेड रहती थी. और आप सबको पता होगा अगर आप लोग बिहेवियर इश्यूज वाले बच्चों को जानते हैं कि जो हैवीली मेडिकेटेड बच्चे होते हैं वो बेसिकली हम उनके दिमाग को सुन कर देते हैं, और वो अगर वैसे भी वर्बली अपनी बात करने की तौफीक में ना हो तो वो और भी ज़्यादा खामोश हो जाते हैं. और चूँकि हमें उनको कंट्रोल करने का शौक होता है कि ये चुप करके एक जगह बैठा रहे या बैठी रहे, तो उस वजह से हमें यह होता है कि चलो ठीक है दवाई दे दी है ना, अब इंसान बन के बैठा हुआ, अब इंसान बन के बैठी हुई है. हालांकि
जिस पे गुजर रही है वही जानता है, मैं मुझ पे नहीं गुजरती। इसलिए मैं ये कहूँ कि ये करना गलत है, ये करना सही है, बिल्कुल नाजायज़ बात होगी। जिस पे गुजरती है वो जानता है कि उस पे क्या गुजर रही है। अलबत्ता ये किताब जो है, और चूंकि कुछ लोग अभी बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, द एक्सप्लोसिव चाइल्ड अ न्यू अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग पेरेंटिंग इजिली फ्रस्ट्रेटेड क्रॉनिकली इनफ्लेक्सिबल चिल्ड्रन, ये किताब, इसमें से मैं आज का बेसिकली लाइव ले रही हूँ। ये मैं पूरी किताब नहीं आप लोगों के साथ खत्म करूंगी, आई पुट द रेस्ट ऑफ इट ऑन यूट्यूब ऑन माय चैनल, लेकिन एटलीस्ट चलें अच्छा है, मुझे भी स्टार्ट मिल गया रिकॉर्डिंग का और लाइव करने का आप लोगों के साथ। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो फिर उसके बाद ऑथर जो है वो ये कहते हैं कि अगर बच्चे चीजें प्रोसेस कर सकते हों तो वो जरूर करें। वो कहते हैं कि आप समझें कि आपकी लॉटरी लग गई अगर आपको ऐसे बच्चे आपके घर में पैदा हुए जो कि अंडरस्टैंड करते हैं बात को, जो कि समझते हैं बात को, जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करते हैं बात को। लेटर ऑन वो ये भी कहते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। क्यों होता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो किसी स्पेसिफिक बात पे अड़ जाते हैं, नहीं आपने तो कहा था ऐसे होना तो फिर ऐसे ही होना था, फिर आपने वैसे क्यों कर लिया। बच्चे अक्सर हमसे मासूमाना सवाल करते हैं और हम कहते हैं हमारे बच्चे कितने मासूम, कितने सच्चे, कितने खरे, कितने अच्छे हैं, बात नहीं बनाना आती उनको। क्योंकि उस वक्त उनकी जो क्या कहते हैं दिमाग का जो प्रोसेस है वो बहुत ब्लैक एंड वाइट होता है, और जो जो वो बड़े होते जाते हैं उनको ये समझ आती जाती है कि लाइफ इज ग्रे, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट। हम हमेशा एक ही रास्ते से स्कूल नहीं जाएंगे, हम हमेशा एक ही रास्ते से स्कूल से वापस नहीं आएंगे, हम किसी दिन हम जल्दी भी सो जाएंगे, किसी दिन हमें डिले भी हो जाएगा, किसी दिन माँ हमारी ये बात पूरी कर सकेगी, हमारी किसी दिन नहीं पूरी कर सकेगी। लेकिन जो बिहेवियरली चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं वो ये बातें प्रोसेस नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे ये तो हमें पहले से ही पता है कि वो नहीं प्रोसेस कर सकते हैं, बाज़ों का तो हमें पहले से पता होता है, लेकिन यूजुअली हम उनके लिए क्या इल्काबात इस्तेमाल करते हैं, मैं हम उनके लिए कहते हैं मैनिपुलेटिव है, जानबूझ के कर रही है, बहाना बना रही है, इसको पता ये रोएगी धोएगी तो मैं इसको ईजिली गिव इन कर दूंगी, मिजाज की अकड़ है, तरबियत में माँ की तरबियत में खामी कमी है, यानी कि हर तरीके से बच्चे को ब्लेम करना। अच्छा, द लैक ऑफ स्किल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी फ्रस्ट्रेशन एंड टॉलरेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वी टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टेबिलिटी स्किल ऑफ टॉलरेंस, ये जो सारी चीज़ें हैं ये नेचुरली कुछ लोगों में होती हैं, कुछ में नहीं होती, लेकिन चैलेंजिंग बिहेवियर्स में डेफिनेटली नहीं होती, ठीक है। कंप्लाइंग विद द अडल्ट्स, मतलब कि अगर बड़े ने कहा उठो उठो चलो जल्द के नमाज पढ़ो, तो जो बिहेवियरली चैलेंज बच्चा नहीं है एक्चुअली, तो जो नॉर्मल भी है वो भी क्या करते हैं कि वो भी कहते हैं क्यों अच्छा ठहर जाए कर लेते हैं, कहते हैं बच्चे कहते हैं, लेकिन वो कहने की सलाहियत रखते हैं, वो इस चीज़ को अडॉप्ट करके इसको कहने की सलाहियत रखते हैं। जो बच्चे बिहेवियरली चैलेंज होते हैं बाज़ों का तो ये कहने की सलाहियत नहीं रखते, इस बात पर हम दोबारा आएंगे। इंटरैक्टिंग अडेप्टिवली विद द पीपल, हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट्स, कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, डीलिंग विद चेंजेस इन द प्लान, मोस्ट चिल्ड्रन आर fortunate to have these skills, ठीक है। Understanding why your child has difficulty in the first step and then understanding when your child has difficulty, तो दो folds हैं, क्यों उसने ऐसा बिहेव किया जैसा उसने बिहेव किया और कब उसने ऐसा बिहेव किया, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रेपिटेटिव होती हैं, पैटर्नस होती हैं। एक बात बहुत अच्छी जो इन्होंने शुरू में ही कर दी, उन्होंने कहा कि देखिए जो बिहेवियरली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं ऐसा नहीं कि वो सारा दिन ज़मीन पे बैठ के तो पैर पटक रहे हैं, रो रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट होता यूं है कि कोई एक दिन के वक्त का हमारे साथ इंटरेक्शन होता है, किसी और के साथ उनका इंटरेक्शन होता है कि जिस पे वो बता नहीं सकते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, या वो चीज़ उनको इतना फ्रस्ट्रेट करती है, और चूंकि उनके लैंग्वेज स्किल्स नहीं हैं, मतलब ये नहीं वो 13 साल का बच्चा भी हो सकता है, वो 18 साल की बच्ची भी हो सकती है, बट दे आर जस्ट नॉट दो स्किल्स aren't अवेलेबल टू them, दो स्किल्स aren't अवेलेबल टू them। खैर, चैलेंजिंग बिहेवियर अकर कब होता है कि जब डिमांड जो होती हैं वो उस बच्चे पे इस तरह से डाली जाती हैं जो कि उसके स्किल्स के मुताबिक नहीं होती। एक चीज़ मेरे पास है ही नहीं, आप मुझसे कहो कि जी आप मुझसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे आके कहो कि इरम मैंने ये चीज़ तुमसे ख़रीदनी है, लेकिन या इरम तुम मुझसे ये चीज़ ख़रीद रही हो लेकिन तुमने मुझे डॉलर्स में पे करना। अब मैं आपको कहूँगी मेरे पास डॉलर्स नहीं है, मेरे पास रुपीज़ हैं, आप मेरे साथ अड़ जाएंगे, नहीं ख़रीदो भी और डॉलर्स ही दो, तो बात तो ये होगी कि जो चीज़ मेरे पास है नहीं आप वो मुझसे मांग रहे हो, तो मैं फ्रस्ट्रेट तो डेफिनेटली मैं हो जाऊँगी, राइट।
तो अगर आसान बच्चे हों, अगर यूजुअल कैजुअल हमें जिन बच्चों की आदत है अगर वो हों, तो बच्चे मुंह बनाते हैं, थोड़ा सा रोते धोते हैं, गुस्सा करते हैं, हाँ थोड़ा सा पैर पटक के आगे पीछे भी चले जाते हैं, मतलब लाड में बच्चे बहुत कुछ करते हैं, तो वो तो ठीक है. लेकिन जब बिहेवियर चैलेंज हो तो पता है क्या होता है, जो मुंह बनाने वाला जो सीन होता है ना, वो चला जाता है जोर से चीखने चिल्लाने में. और जो जोर से चीखने चिल्लाने वाला सीन होता है वो चला जाता है उल्टी कर दी गुस्से में आके, वॉमिट कर दिया, सर दीवार से पटकना शुरू कर दिया, इस तरह की चीज़ें वो बच्चे करते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं. हमारी नज़र में वो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, उनकी नज़र में वो सिर्फ बात कर रहे हैं. सुभान अल्लाह. जो माएँ बिहेवियरल इश्यूज चैलेंज्ड बच्चों के साथ दिन और रात गुजार रही हैं, उनके सब्र को भी दाद है और अल्लाह सुभान व तआला उनके लिए, उनके बच्चों के लिए आसानी करें. लेकिन ये बात मुझ जैसे पेरेंट्स के लिए जिनके बिहेवियरली चैलेंज्ड बच्चे नहीं हैं, और जो उनको देख के माओं के बारे में, बापों के बारे में, घराने के बारे में, तरबियत के बारे में अजम्पशंस बना लेते हैं और बातें बना लेते हैं, ये बुक मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, द मिडल पार्ट ऑफ द बुक कम्स विद अ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और उस तक अल्लाह करे हम पहुंच जाएं. The unsolved problems. अब वो ये कहते हैं कि जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम लग रही हैं, ठीक है, जिन्हें हम अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, वो बेसिकली आप कर लो आराम से, कोई बात नहीं, अगर शोर होगा तो. मैं किचन में बैठी हूँ तो मेरा बेटा भी ब्रेकफास्ट के लिए आया. अच्छा, द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली हाईली प्रिडिक्टेबल. वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो दिन में सुबह उठता है तो वो कहता है कि आज मैंने अपने माँ बाप की और अपनी ज़िंदगी अजीरन कर देनी है, और वो शुरू से, दिन के शुरू से लेकर दिन के आखिर तक यूँ ही रहता है. नहीं, ऐसा नहीं होता. ट्रिगर्स होते हैं थ्रू आउट द डे. तो वो कहते हैं कि हाईली प्रिडिक्टेबल होते हैं, हाईली प्रिडिक्टेबल होते हैं, और दे डोंट हैपन आउट ऑफ द ब्लू. इफ दे डोंट हैपन आउट ऑफ द ब्लू देन यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व देम बिफोर दे इवन अकर. ठीक है, वो कहते हैं कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी, जो कि हम यूजुअली करते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये कर दूंगी, अगर तुमने वैसा किया तो मैं वो कर दूंगी, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी इज नॉट हेल्पफुल बिकॉज इट डज नॉट टीच द चाइल्ड द स्किल्स ही इज लैकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. डर डरा के, धमका के, जो बच्चा प्रोसेस ही नहीं कर रहा, उसे आप डराओगे धमकाओगे तो वो, और वो कहेगा क्या, मैं क्या करूँ इस बात का, मतलब लैंग्वेज है. आप किसी से चाइनीज में बात करना शुरू कर दो, उस बंदे को चाइनीज आती ही नहीं है, उस बच्चे को मैंड्रिन आती ही नहीं है, तो या आपको नहीं आती, तो आप क्या कर लोगे, वो चीखे चिल्लाए, हवा में हाथ पैर मारे, उसको नहीं समझ आ रही आपकी, उसने नहीं बात समझनी है. ठीक है, ये बड़े पते की बात है, सुने ज़रा. वो कहते हैं कि ये जो ADHD का डायग्नोज होता है, ये जो अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर होता है, ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ये जो डिप्रेशन होता है, ये जो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे डिसऑर्डर होता है, ये जो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर होता है, या ये जो द न्यूली कॉइंड डिसरप्टिव मूड रेगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, एक्सेट्रा, ये वैलिडेट करता है कि प्रॉब्लम है. ये सारी डायग्नोसिस हो सकती हैं जब आप लेके जाते हैं. ये सिर्फ क्या करता है, ये वैलिडेट करता है कि मसला है, लेकिन दे कैन ऑल्सो बी काउंटर प्रोडक्टिव. क्यों? क्योंकि जो केयर गिवर है फिर वो सिर्फ मसले पे गौर कर रहा है, मसले के सोल्यूशन पे गौर नहीं कर रहा. अगर आप मसले के सोल्यूशन पे गौर नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो, तो फिर वो ये कहते हैं कि फिर हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं, और हमारी सोच इस तरह से हो जाती है, प्रॉब्लम बच्चे में है, बच्चा ब्रोकन है, हमने बच्चे को फिक्स करना है. और ये मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देखा है, आई नीड टू फिक्स माई चाइल्ड. हम यूजुअली आम जुबान में कहते हैं इसे ना ठीक करने की ज़रूरत है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है. बच्चे को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे माइंडसेट के साथ बच्चे के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है. वो कहते हैं कि उन्होंने लिखा है यहाँ पे, ताली दो हाथ से बजती है. ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बच्चे को फिक्स करने की ज़रूरत है. इनफैक्ट मुझे और मेरे बच्चे दोनों को अलाइन होना पड़ेगा पार्टनरशिप में. हम पार्टनर्स हैं, हम एनिमीज नहीं हो सकते. ठीक, नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं. अच्छा, जो उन्होंने टर्म यूज़ किया, जो मैं चाहती थी कि हम यहाँ तक तो एटलीस्ट ये बात मैं कर सकूँ, वो है लैगिंग स्किल्स एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम्स. उन्होंने कहा है कि ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं, ये जो हमें लगता है कि हमारा बच्चा नहीं कर पाता, उसको हम लैगिंग स्किल्स बोलेंगे, कि एक चीज़ लैग कर रही है, यानी कि आहिस्ता है, देर से समझ आएगी, देर से प्रोसेस होगी. ठीक है,
when the adults understand how lagging skills can set the stage for challenging episodes, ठीक, वो अपना जब हम एक दफा जब हमें ये समझ आ जाती है कि जो हमारा जो इनका लैगिंग स्किल है वो है और हमें उसको किस तरह से डील करना है, तो हम बेसिकली आसानी से बात कर सकते हैं. वो कहते हैं कि लैगिंग स्किल में डिफिकल्टी हैंडलिंग ट्रांजिशन शिफ्टिंग फ्रॉम वन माइंड सेट टू द अदर. अच्छा, मैं कुछ ना लैगिंग स्किल्स जो हैं उनको उनको पॉइंट आउट करूंगी. सुनने वाले अगर सुन रहे हैं और उनको लगता है कि ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है या इनको री एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें. अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने फिर पूरी बुक में एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट ने बच्चे को कहा कि टीवी बंद कर दो. अब टीवी बंद कर दो मतलब मैं टीवी के दरमियान में हूँ, मैं शो के दरमियान में मैं टीवी क्यों बंद करूँ? बच्चे ने आगे से जवाब दिया. तो बाप ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें कहा है टीवी बंद करो तो अभी बंद करो. नहीं, मैं नहीं करूँगा बंद, मैं क्यों टीवी बंद करूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं देख रहा हूँ. तो वाले साहब ने आगे से कहा, तुम हमेशा ही टीवी देख रहे होते हो और हमेशा ही तुम्हारा शो चलता रहता है, मैं तुम्हें ना कहूँ तो तुम तो सारी रात ही टीवी के आगे बैठे रहो, बंद करो और अभी बंद करो. अब बच्चे का जो बच्चा ऑलरेडी उसमें चला गया है, फ्रस्ट्रेशन मोड में चला गया, ठीक है, उसका लैगिंग स्किल क्या था, वो ट्रांजिशन करना उसके लिए मुश्किल है. अब वो बड़ा है, हालांकि यूजली हम बड़े बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैंने हम और हम कहते ही नहीं हैं, स्पेशली हम माएँ कहती हैं पहली दफ़ा में मेरी बात सुन लिया करो, पहली दफ़ा में. मैं भी कहती हूँ, कोई मतलब मैं भी सारे वो गलत काम करने के बाद ही उनको सुधारती हूँ, और जानने के बावजूद मुझसे ये सारी चीज़ें होती हैं. इंसान हैं, खता के पुतले हैं, अपने आप को भी माफ़ कर दें और दूसरों को भी करता है. अच्छा, तो कमिंग बैक टू दैट, उसमें उन्होंने डिफाइन किया कि उसके पास डिफ़िकल्टी टू प्रोसेस था, डिफ़िकल्टी टू ट्रांजिशन था, उस बच्चे को लैगिंग स्किल क्या था कि वो ट्रांजिशन करने में उसे प्रॉब्लम है. बाप ने क्या कहा, उसने कहा तुम तो हमेशा ही, मतलब कि मैं तुम्हें जब भी बोलूँ तुम हमेशा ही मुझे ये जवाब देते हो. और बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है मैं जब भी देख रहा होता हूँ आप मुझसे यही बात करते हैं. दे नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन. ठीक है, उस बच्चे की प्रॉब्लम यह है कि उसे ट्रांजिशन नहीं होता, उसको यह है कि उसके पास सोल्यूशन नहीं है. डिफिकल्टी कंसिडरिंग पास्ट एक्सपीरियंसिस दैट वुड गाइड वंस एक्शन. पास्ट एक्सपीरियंस को रजिस्टर नहीं करते हैं. बिहेवियरली चैलेंज बच्चे पास्ट एक्सपीरियंस को रजिस्टर नहीं करते. ऐसा नहीं कि वो भूल जाते हैं. देखें, जब मैंने इस बारे में बात की है, लेकिन मैं मज़ीद यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ डालूंगी, क्योंकि वो चार किताबें थी जो मैंने ख़त्म करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह इट विल कम ऑन माई यूट्यूब चैनल, बट इट इज़ ऑल अबाउट ब्रेन फंक्शनिंग. तो थोड़ा सा अगर मैं वहाँ से हिस्सा थोड़ा सा अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं बताऊँ कि इंसान का दिमाग मशीन की तरह है जो चीज़ें प्रोसेस कर रहा होता है, और इंसान का जो इमोशनल दिमाग है ना वो इंसान के लॉजिकल दिमाग से पे हावी होता है, यूजुअली हावी होता है. बड़ी मज़े की एग्जांपल है, और ये एग्जांपल एक किताब में थी, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी स्विच के नाम से है, उसमें वो लिखते हैं कि इंसान का जो इमोशनल दिमाग है ना वो हाथी जितना, वो समझें कि वो हाथी जितना है, और जो इंसान का लॉजिकल दिमाग का हिस्सा है ना वो यूँ समझें कि वो राइडर जितना है, मतलब जो हाथी को के ऊपर राइड करके जा रहा है. ठीक है, तो लॉजिक इज़ द राइडर एंड द इमोशनल पार्ट ऑफ अस इज़ द एलिफेंट. तो समझ तो आ गई कि इमोशन ज़्यादा ओवररन करते हैं. अब नेचुरली जिन लोगों को अल्लाह सुबहानहू ने ये सलाहियत दी है कि वो प्रोसेस कर सकते हैं बातों को, तो उनको तो याद रहता है, उनका राइडर जो है वो हाथी को लॉजिकली एक पाथ पे लेके जा रहा है. लेकिन जिनमें प्रोसेसिंग का ही प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं कि एमनीजिया हो जाता है उन बच्चों को, उन्हें भूल जाता है कि उन्होंने हरकत क्या की थी. इट्स जस्ट दे डोंट कंसिडर कि हुआ क्या था मेरे साथ. अगर आप उससे पूछो कि थोड़े घंटों के बाद अगर आप उस बच्चे या बच्ची से पूछो कि यार तुमने ये कमाल का फसाद जो डाला था, हंगामा जो बर्पा किया था, ये क्यों किया था, तो बच्चा बड़ा ही आराम से कह देगा मुझे नहीं पता. और वो झूठ नहीं बोल रही, या वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है. वाकई ही में उस वक्त उनका इमोशनल राइडर उनके लॉजिक पे पूरी तरह से हावी होता है, और उन्हें वाकई में नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं. खैर, आई एम जंपिंग द गन हियर, बट लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. बिहेवियरली चैलेंजिंग किड्स कैन बी हेल्प बाय द अप्रोच प्रॉब्लम्स इफ दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, हम अपने प्रॉब्लम्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्यूशंस को अगर हम ऑर्गेनाइज कर दें.
प्रॉब्लम्स यूजुअली प्रिडिक्टेबल होती हैं, और अगर हम उन्हें प्रोएक्टिवली और कोलैबोरेटिवली हल कर लें तो उनको प्रोसेस करना जो है वो आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने दो तीन बच्चों की एग्जांपल्स दी हैं, मैं वो एग्जांपल्स देती हूँ और फिर उसके बाद बात को यहाँ पे फिर मैं आपसे कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। हाँ, एक और बात जो मुझे कहनी चाहिए थी, कि जो बिहेवियरली चैलेंज बच्चे होते हैं ना, उनकी एक और मसला ये होता है कि यूजली चूंकि उनका प्रोसेसिंग पोर्शन ऑफ द दिमाग जो होता है वो डिलेड होता है, तो यूजुअली वो इम्पल्सिव बिहेवियर शो करते हैं। कहते नहीं हैं कि तुम जल्दबाजी में हर काम ख़राब कर देती हो, या यूजुअली हम आमतौर पर हम ये जुमले इस्तेमाल करते हैं कि जल्दबाजी में तुमने ये काम ख़राब कर दिया, ये जल्दबाजी का काम जो शैतान का होता है। जब एक बच्चा बिहेवियरली चैलेंज्ड है ना, उसका प्रोसेसिंग जो है वो, मैं जानबूझ के वर्ड डिले नहीं यूज़ कर रही हूँ, ना ही मैं वर्ड स्लो यूज़ करना चाहती हूँ। और बाद में वो इस किताब में कहते हैं कि इसको हम मेंटल इलनेस भी नहीं कह सकते। बहुत अच्छी बात वो करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब वो बच्चा प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसके पास वो लॉजिकल थिंकिंग का व्हील ही नहीं है, जिसके पास वो व्हील ही नहीं है वो यूजुअली किसी भी सिचुएशन में अपना वर्स्ट फुट फॉरवर्ड रखेगा। यू कहते हैं इंग्लिश में कहावत है कि दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हम अपना सबसे अच्छा बिहेवियर आगे रखते हैं। कोशिश हमारी यही होती है ना कि हम अच्छा बोलें, अच्छा करें, टीचर खुश हो, माँ खुश हो, ये खुश हो, वो खुश हो, लेकिन ऐसे बच्चे जो होते हैं वो घबरा के अपना वर्स्ट बिहेवियर आगे रखते हैं। उनसे कोई बात करना शुरू करो तो वो पहले ही हंगामा बर्पा कर देते हैं, उनसे कोई बात करो तो वो पहले ही नो कह देते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका प्रोसेस लैगिंग है। लैगिंग का वर्ड यूज किया हुआ है और इसी वर्ड को हमें पकड़ लेना चाहिए कि उनका प्रोसेस लैगिंग है। इम्पोजिंग सॉल्यूशंस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अ प्रॉब्लम। ठीक है, कि अगर हम ये कहें कि मैं ये कह रही हूं इसलिए तुम्हें ये करना है, आमतौर पे बच्चे मान लेते हैं, यूजली मुझसे भी पूछते हैं आप ये क्यों कह रही हैं, नहीं क्यों, हम ये क्यों करें, हम क्यों करें ये, तो मैं आराम से कहती हूँ, मेरे पास जब कोई वजाहत नहीं रह जाती है, जब मैं थकी होती हूँ, मैं जान छुड़वाना चाह रही होती हूँ आर्ग्यूमेंट्स में, कहती हूँ क्योंकि मैंने कहा माओ तुम्हारी, मैंने कहा करो करो ये ऐसे ही करो। ठीक है, तो लेकिन अगर बिहेवियरली चैलेंज स्टाइल है तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर आप ये उसको कहोगे तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा, उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसे बच्चों के पास बेसिक वोकैबुलरी नहीं होती बाज़ औक़ात अपनी बात को रिलेट करने की, अपनी बात को करने की वोकैबुलरी नहीं होती। उसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है गस की। तो ये गस जो है वो एक बच्चा है, वो अपने स्कूल में है, स्कूल में वो खेल रहा था और उसने क्या किया, उसकी पेरेंट को फ़ोन आया कि भाई आपके बच्चे ने अपने फ्रेंड को पेट में किक्स मारी हैं, आके इसको ले जाए, इसको हम डिटेंशन दे रहे हैं। अच्छा, बाप साहब आते हैं और वो बेटे को घर ले जाते हैं। वो पूछते हैं कि गस यार तुमने क्या किया आज, क्यों मारा उसको, वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। कहते हैं हाँ बाबा वो है मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा क्यों। कहते हैं बाबा वो मेरे खिलौनों के साथ खेल रहा था। तो बाबा ने कहा तो अच्छा तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे खिलौनों के साथ खेले। तो गस कहते हैं हाँ बाबा मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे खिलौनों के साथ खेले, पर वो मेरे खिलौनों के साथ खेल रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कैसे कहूँ कि मेरी इस चीज़ को हाथ मत लगाओ। तो मैंने बस, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, मैंने बस जो मुझे समझ आया मैंने कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पे एक बात की, उन्होंने कहा है कि गस ने ज़रूरी नहीं कि ये सारे जुमले बोले हों, मुझे समझ नहीं आया और मैंने इसलिए ये किया और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। अगर गस ये सारी बातें कर सकता होता या ये उसकी प्रोसेस में होती, उसकी वोकैबुलरी में होती, तो यकीनन वो अपने दोस्त को मारता ना। तो उसके वाला साहब बात कंटिन्यू करके कहते हैं कि तो तुम्हें तो लगता है कि तुमने गलत किया। तो गस कहता है हाँ मुझे पता है मैंने गलत किया, पर मुझे बताना नहीं आ रहा था उससे कि वो ये ना करे। मैंने कभी ये बात रजिस्टर नहीं की कि बच्चे को बताना नहीं आ रहा, जो बच्चा बोल सकता है। स्पेशली हम समझते हैं कि जो गूंगा है ना, जो गूंगा है उसके साथ सिंपथी करो, वो बोल नहीं सकता। ये फिनोमेना हमारे लिए समझना इंतहाई अहम है। ये हमेशा से था, ये कोई आज का नया निकला हुआ फिनोमेना नहीं है। साइंस की तरक्की के साथ ये बातें समझ में आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इतनी एडवांसमेंट हो गई है, इतनी रिसर्च हो गई है कि अब हमें ये पता चलता है कि बोलने वाला शख्स, देखने बोलने सुनने वाला शख्स भी दिमागी तौर पे हो सकता है लैगिंग हो, कि उसके पास वोकैबुलरी के वो वर्ड्स ना हो, वो इमोशनली एप्ट ना हो वो बात करने के लिए। बिहेवियरल इशू इसको कहते हैं, इसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं कहते, इसको बिहेवियरल इशू कहते हैं। इसके लिए दवाइयों से बच्चों को नम करने की ज़रूरत नहीं है,
अपने आप को सिखाने की ज़रूरत है कि मैं बिहेवियरल इशू को किस तरह से सॉल्व करूँ। मैं फिर दोबारा ये बात करूँगी कि जिन माओं को इन इस तरह के बिहेवियरल इशू से, जिन फादर्स को इस तरह के बिहेवियरल इशू से सुबह शाम डील करना पड़ता है, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ यकीनन वैलिड है और बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह ने हर किसी को एक टेस्ट दिया हुआ है। मेरे हिस्से में मेरा है और उस तरह के पेरेंट्स के हिस्से में उनका है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाएं कि हम कंपैशनेट, एम्पैथेटिक और सोच समझ रखने वाले मोमिनीन हों। आमीन। अच्छा, तो जब उन बच्चों के पास वोकैबुलरी नहीं होती तो यूजुअली वो क्या करते हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव बताने से पहले वो कहते हैं आई हेट यू, दवा हो जाए, आप मर जाए। बच्चे कहते हैं अच्छा, ये जो मैं कह रही थी तो मुझे मैंने सोचा मैं एग्जांपल दूं कि ना दूं, लेकिन टीवी पे एक बड़ा मशहूर ड्रामा चला था जिसमें एक कैरेक्टर ने इस तरह का एक एक्टर ने इस तरह का कैरेक्टर प्ले किया था, जहाँ पे जब उसको गुस्सा आता है तो वो गालियाँ बकना शुरू कर देता है और वो अपनी माँ को, अपनी चची को, सबको कहता है कि तुम्हें ये हो जाए, तुम्हें वो हो जाए, फलाना 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 फलाना। नाउ दैट वॉज एन एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ नॉट बींग एबल टू प्रोसेस वर्ड्स, नॉट बींग एबल टू प्रोसेस। ऐसा नहीं कि वो बच्चा या वो बच्ची बदतमीज है, उसके पास अल्फाज नहीं है लॉजिकली बात को एक्सप्लेन करने के। अच्छा, कुछ बच्चे बदतमीजी से बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और कुछ बच्चे अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल कर पाते, वो हाथ पैर मारते, पीटते, काटते हैं, बाइट करते हैं, सर पटकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और एग्जाम्पल थी कि फिलिप था, फिलिप को अंडे नहीं पसंद, स्क्रैम्बल्ड एग खाना नहीं पसंद। उसकी वालदा ने क्या किया, उसकी वालदा ने कहा कि चलो मैं जल्दी है, मुझे मैं अंडे ही बना देती हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स बना देती हूँ। फिलिप ने माँ से कहा मुझे अंडे नहीं पसंद, गुस्से से मुझे अंडे नहीं पसंद। तो माँ ने कहा कि भाई घर में यही पका, मैं तुम्हारी शेफ नहीं हूँ, मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए बार बार चीज़ें बनाऊँ, जो पका है वो खाओगे तुम। फिलिप वो प्लेट उठाता है, ज़मीन पर मार देता है, अंडे भी ख़त्म, प्लेट भी ख़त्म। माँ उसके गुस्से में कहती है ठीक है, जो तुम्हारा एक्सबॉक्स है ना वो ख़त्म। जैसी माँ ने उसको ये कहा कि तुम्हारा एक्सबॉक्स ख़त्म, वो बच्चा फुल ब्लो आउट। अब बच्चे ने कह जरूर बताया जरूर है अपने पेरेंट को कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। अब अगर मुझे या पेरेंट को पता है कि उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले से ही सॉल्व कर सकते हैं। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं, अच्छा नहीं, एक एग्जांपल वो ये देते हैं कि अगर हम इरिटेटेड मूड में हों, अगर हम झुंझलाए हुए हों और गुस्से में हों, तो यूजुअली हम भी बड़े बदतमीजी से बात करते हैं। अब हमारा प्रोसेस नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, हम अपनी बात को कर भी सकते हैं, लेकिन उस वक्त गुस्से पे काबू नहीं है, झुंझलाहट पे काबू नहीं, तो हमने झुंझला के बात कर दी। तो कहते हैं कि बिहेवियरल इश्यूज़ वाले बच्चों के बारे में अगर आप सोचें कि वो हर वक्त झुंझलाए हुए हैं और हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो आराम से बात करें, कैसे मुमकिन है कि वो आराम से बात करें, वो आराम से बात नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत मज़े की बात है। फिर उन्होंने एक पॉइंट पे आके उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि हम हर वक्त अपने बच्चे की जी हुजूरी करती हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम बच्चे को कभी मना ही ना करें किसी बात से। तो उसका उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसका उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंड करें कि बच्चे के स्किल्स लागेंगे, क्योंकि हम लोगों को तरबियत दी गई है बच्चों को बुरा समझने की या बच्चों के बारे में बुरा जन रखने की। हुस्न जन नहीं रखते हम बुरा जन, स्पेशली डिफिकल्ट बच्चों के साथ। देखें, मैंने जिंदगी में कोई डिफिकल्ट बच्चा देखा ही नहीं, और अचानक से मुझे एक डिफिकल्ट बच्चा मिल जाए, और मुझे, मैंने जितनी मेरी हिस्ट्री है, जितने मेरे अपने छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, इर्द गिर्द इतवार के सारे बच्चे देखे हैं, उनका एक तौर तरीका डिफरेंट है, और एक स्पेसिफिक बच्चे का तौर तरीका डिफरेंट है। तो होता यह कि माशरा ये कहता है कि ये खराब है, डिफरेंट है नहीं कहते हैं हम, ये खराब है कहते हैं। अल्फाज इंसान की पूरी जिंदगी बदल के रख देते हैं, क्योंकि जब आप बच्चे का बचपन में कॉन्फिडेंस मार देते हो ना, और उसको यही नहीं महसूस होता कि मैं किसी तरफ से प्रोटेक्टेड हूं अपने वालदैन से ही, क्योंकि हम वालदैन ही सबसे ज्यादा तशद्दुद करते हैं अपने बच्चों पर, जाने अनजाने, जानबूझ के नहीं करते, लेकिन जो सिखाया गया है, जो समझ आता है, अगर हम उसको मज़ीद ठीक करने की कोशिश ना करें तो हमसे ये गलतियां होती हैं। कुछ चीज़ें, He just wants his own way. मैनिपुलेट कर रहा है ये हमको, मोटिवेटेड नहीं है, लेजी है, कम दिमाग है, कम अकल है, दिमाग ही नहीं है इसका, चलता ही नहीं है दिमाग।
हमेशा ही पुठी चॉइसेस कर लेता है. पंजाबी का लफ्ज़ है पुठी, लेकिन इट मींस बेसिकली गलत चॉइसेस, हमेशा हमेशा गलत चॉइसेस करता है. तमीज़ नहीं है इसको, बदमिजाज है ये बच्चा, बदमिजाज है ये बच्चा. बस इसको पता है, इसको पता है कि ये कौन सी बात करेगा तो मैं तड़प उठूंगी, इसलिए ये कर रही है, ये कर रहा है. ये वो अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक. और फिर वो कहते हैं मेंटल इलनेस वाली बात आपको पता है, मैंने शुरू में की थी. उन्होंने कहा कि इसको ना मेंटल इलनेस नहीं कर सकते. कहते हैं कि अगर साइकाइट्रिक डायग्नोसिस हुआ है बच्चे का, तो आप इसको रिस्क ऑफ रिडंडेंसी कह सकते हैं. आई शुड पॉइंट आउट दैट विद द डायग्नोसिस वी स्टिल डोंट नो व्हाट स्किल्स ही इज लैकिंग और व्हाट द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आर रियली एंड प्रेडिक्टेबली पार्टिसिपेटिंग द इज चैलेंजेस. आप ये नहीं कह सकते कि वो मेंटली इल है, दिमागी तवाज़ुन नहीं है उस बच्चे का, ये नहीं कहना. हमने कहना क्या है, हमने ये कहना है आई प्रेफर प्रॉब्लम्स इन लिविंग. ये टर्म निकाला था थॉमस साज़, एक डॉक्टर थे, उन्होंने निकाला था टू द टर्म मेंटल इलनेस बिकॉज इट हाईलाइट्स वॉट बिहेवियरली चैलेंजिंग किड्स एक्चुअली नीड हेल्प सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स दे आर सेटिंग द स्टेज फॉर देयर चैलेंजिंग एपिसोड्स. क्या क्या टर्म यूज करना चाहिए, प्रॉब्लम्स इन लिविंग. रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के तरीकों में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्किल्स नहीं है, स्किल्स लैकिंग है. तो प्रॉब्लम इन लिविंग का उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है. वो कहते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी बच्चे की बिहेवियर प्रॉब्लम में और इनफ्लेक्सिबिलिटी अडल्ट की प्रॉब्लम में इज इक्वल टू अ मेल्टडाउन, कंप्लीट मेल्टडाउन. इस मतलब कुछ और होगा नहीं ना. मतलब मैं भी अपनी बात से नहीं हट रही हूँ और आप भी अपनी बात से नहीं हट रहे हो, तो होना क्या है, मेल्टडाउन ही होना है. अच्छा, उसके बाद और मैं यहाँ पे ये पढ़ के फिर इसके बाद इंशाल्लाह इस लाइफ को ख़त्म करता है, क्योंकि ये जगह मौका नहीं है इस पूरी किताब को ख़त्म करने का. ये किताब डिज़र्व करती है कि हर चैप्टर को डिटेल से समझाया जाए. यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ आउटलाइंस दी हैं, आई होप कि वो आउटलाइंस हेल्पफुल होंगी. इंशाल्लाह इस किताब को जल्द ही मैं कंप्लीट करके और इसकी वीडियोज़ अब यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह. तो गेटिंग स्टार्टेड पे मैं थोड़ी सी बात करके लाइफ को इंशाल्लाह ख़त्म करती हूँ. Getting started. Assessment of lagging skills and unsolved problems. सिर्फ अभी हम assess कर रहे हैं, ठीक है. वो कहते हैं कि पहले आप lagging skills से शुरू करो कि आपके बच्चे में lagging skills हैं कौन से, ठीक. फिर उसके बाद आप क्या करो, आप identify करो कि unsolved problems कौन से हैं जो उस lagging skill के साथ connected हैं, ठीक. अब वो कहते हैं गाइडलाइन नंबर वन ये है कि whenever possible, start each unsolved problem with the word difficulty. बड़ी इंपॉर्टेंट बात. जब आप अंडरलाइन करने लगें तो आप ये बोलें unsolved problem को the word difficulty के साथ शुरू करें. For example, difficulty taking the trash out in the morning, difficulty waking up with the alarm in the morning, difficulty changing the dress, difficulty transitioning from one thing to the other. इस तरह से बात करें कि मतलब मेरे बेटे या बेटी के लिए मुश्किल है, बात इस तरह से शुरू करें. कहते हैं कि जब हम बात इस तरह से शुरू करते हैं तो जो प्रॉब्लम है उसमें आपके बच्चे का बिहेवियर नहीं आता बल्कि उसका रिस्पॉन्स आता है. The word difficulty covers the behaviors. In other words, you wouldn't write screaming and crying when having difficulty taking the trash out of the problem. तो आप basically सिर्फ जो उसका रवैया है डिफ़िकल्टी डूइंग दिस, आप ये नहीं कहते उसने चीख चिल्ला के बदतमीज़ी करके उसने मेरी बात सुनी, इस तरह से नहीं बोलेंगे. उसे कहेंगे उसे डिफ़िकल्टी हुई ये बात मुकम्मल करने में, सुनने में, समझने में. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लीव द बिहेवियर आउट ऑफ द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम. बिहेवियर को अनसॉल्व प्रॉब्लम से अलग रखें. क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी वर्डिंग है, अगेन लैंग्वेज, क्योंकि जब मैं सुन रही हूँ ना ये बात, She has difficulty doing her homework. निस्बतन इसके वो नालायक है इसलिए उसको होमवर्क नहीं कर रही है. आपने दोनों लैंग्वेज दोनों बातें सुनी, गौर से सुनी, कानों को कैसी लगे. उसे होमवर्क करने में मसला है, ये लैगिंग स्किल है एक बिहेवियर इश्यूज में. वो नालायक है इसलिए वो होमवर्क नहीं कर रही है,
सो टोटली सेपरेट वे ऑफ सेइंग थिंग्स एंड सीइंग थिंग्स. तो हम जो बोलते हैं और जो हमारे कान सुनते हैं और जो हमारा दिमाग रजिस्टर करता है उससे या हमारे मिजाज में मजीद सख्ती और तंगी पैदा होती है या नरमी और हिलावत और ठंडक पैदा होती है कि हम उस मसले को फिर सॉल्व कर सकें. अच्छा, कमिंग बैक टू नंबर टू, मेक श्योर दैट द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आर सफिशिएंटली स्पेसिफिक एंड स्प्लिट एंड नॉट क्लम्प्ड. यानी कि प्रॉब्लम जो है वो दो तीन चार फोल्ड भी हो सकता है. बात एक ही है, सिचुएशन एक ही है, लेकिन उसमें स्टेप्स हैं. वो किस तरह से हैं? डिफिकल्टी कंप्लीटिंग होमवर्क. अब डिफिकल्टी का तो वर्ड हमने यूज कर लिया, हमने बच्चे को बुरा भला भी नहीं इसमें कहा, हमने कहा डिफिकल्टी कंप्लीटिंग होमवर्क. अब होमवर्क जो है उसमें इंग्लिश भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, सोशल स्टडीज भी है, इस्लामिक स्टडीज भी है, बहुत सारे होमवर्क हैं. अब हमने उसको जब हमने कह दिया कि डिफिकल्टी कंप्लीटिंग होमवर्क तो हमने क्लंप कर दिया ना सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर दिया. अब उसको एक एक करके लेयर 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 करें. ठीक, तो अब उसको लेयर कैसे करेंगे? आप उसको लेयर करेंगे इस तरह से, स्प्लिट कर देंगे. डिफिकल्टी मेमोराइजिंग द मल्टीप्लीकेशन, डिफिकल्टी लर्निंग टू राइट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन. अब आप मुझसे ये कहेंगे, जो डॉक्टर साहब ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि आप मतलब स्प्लिट करके प्रॉब्लम को यूं फैलाते चले जा रहे हैं शीट पे. पहले हमने कह दिया डिफिकल्टी है, फिर हमने कह दिया डिफिकल्टी होमवर्क करने में नहीं है बल्कि डिफिकल्टी मैथ में, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में है, डिफिकल्टी स्पेलिंग्स में है, डिफिकल्टी मेमोराइजेशन में है, डिफिकल्टी रेपिटेशन में है. तो ये तो मेरी प्रॉब्लम जो दो लिस्ट में हो सकती थी ये 10 लिस्ट में हो गई. तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को स्प्लिट करते हैं ना तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि हर प्रॉब्लम को सिंगल उठा के उसको सॉल्व करना है, सिंगल उठा के उस चीज़ को सॉल्व करना है. और ये ज़रूरी है क्योंकि जब हमने ये बात इस्टेब्लिश कर ली कि प्रोसेसिंग में लैग है, तो अगर प्रोसेसिंग में लैग है तो फिर हमने कैसे बच्चे को पुश कर दिया कि तुम अभी सारा कुछ समझ लो? वो नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकती है. इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए जो बच्चे को हेल्प आउट कर रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को बहुत लेवल पे लेयर बाय लेयर डिफाइन करें. ठीक, नंबर थ्री, कीप, ये ज़रूरी बात है, कीप योर थ्योरीज अबाउट द कॉज ऑफ द अनसॉल्व प्रॉब्लम आउट ऑफ द अनसॉल्व प्रॉब्लम. वजह ना साथ में लिखने बैठ जाएं. वजह जैसे कि डिफिकल्टी कंप्लीटिंग द पैराग्राफ्स ऑफ इंग्लिश बिकॉज शी डजेंट फील लाइक डूइंग देम. जानबूझ के नहीं कर रही, मुझे तंग करने के लिए कर रही है ये. पता है इसने पेंसिल हाथ में पकड़ी हुई है पर ये लिख नहीं रही है. 3 साल 4 साल की बच्चों की माएँ जो होती हैं अक्सर ये बात करती हैं. खैर, अब ज़रूरी नहीं कि वो बिहेवियरल इश्यूज़ हों, वो बेसिकली ये भी हो सकता है कि बच्चा उस वक्त मेंटली रेडी ही नहीं है. ये बात जब मैं होम स्कूलिंग के और लर्निंग के लेक्चर्स देती हूँ तो उसमें ये बात मैं कई दफ़ा कर चुकी हूँ कि प्रोग्रेस अपना टाइम लेती है. Follow the rule of the thumb. The minute you're inclined to write the word because in the unsolved problem, stop writing. Everything that comes after because is a theory. So there are pitfalls with adult theories. First of all, adult assumptions and theories about the cause of an unsolved problem are often incorrect. ये बात अभी हमने कर ली. वो कर इसलिए नहीं रही क्योंकि वो फलाना 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 फलाना. ये जो क्योंकि वो फलाना 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 है ये मेरी assumption है, adult की assumption है. ये इसको कैंसिल करते हैं इसमें से. तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ. व्हेनेवर पॉसिबल स्टार्ट ईच अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम विद डिफिकल्टी. डिफिकल्टी है ये काम करने में, फिर उसके बाद उसको सिंगल आउट करें, मतलब कि उसे क्लंप ना करें, उसको सिंगल आउट करें. फिर नंबर तीन क्या है? कीप योर थ्योरीज अबाउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम अवे फ्रॉम व्हाट द प्रॉब्लम इज, क्योंकि उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. उससे देखें सारी बातों की एक बात, आम हालात में भी पेरेंट होना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है. हम अपने मिजाज माहौल ने जो कुछ हमारी तरबियत कर दी होती है, हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुछ हमारी तरबियत कर दी होती है, माशरा जो हमें बता चुका होता है कई सालों तक कि ये सही है और ये गलत है, हम उसकी बनावट होते हैं. पेरेंटिंग में हमें फ्रीडम ये होता है कि हम कहते हैं कि अब ना मैं अपनी मर्जी कर सकती हूँ. और उसमें अगर हम ये भूल जाएं, ए नंबर एक खुदा खौफी भूल जाएं,
नंबर दो ये भूल जाएं कि हमने सीखते रहना, ये नहीं कि अब हम चूंकि वालदैन बन गए तो हमें इल्म कुल समझ आ गई है, ऐसा नहीं है. और जो बच्चे पैदा हुए हैं वो हमारे वक्तों से डिफरेंट हैं, वो हमारे माहौल से डिफरेंट हैं, वो एक मुख्तलिफ वक्त के लिए पैदा हुए हैं. स्किल्स, लैंग्वेज, हर चीज़ बदलती है, आहिस्ता आहिस्ता बदलती है. लेकिन और स्पेशली पिछले 20 सालों में, पिछले 2 डेकेड्स में आपने देखा होगा कि चीज़ें सालों में नहीं महीनों में बदल रही हैं, महीनों में. सुभान अल्लाह. तो इन बातों को, अच्छा आखिरी बात, कीप सॉल्यूशंस आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो उन्होंने कहा कि सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स को लेबल भी नहीं करना, प्रॉब्लम्स को बिकॉज भी नहीं कहना, और ये भी नहीं करना कि कीप सॉल्यूशंस आउट ऑफ द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स. हियर इज एन एग्जांपल. डिफिकल्टी लेइंग आउट द क्लोथ्स. अच्छा तो बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है और रोज सुबह हमारा मसला ये होता है कि हम क्लोजेट के सामने खड़े हो जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमने कपड़े कौन से इस्तेमाल करने हैं, कौन से पहन के जाने हैं. तो लिहाजा माँ ने ये सोल्यूशन निकाला कि मैं रात को ही कपड़े अरेंज कर दूंगी. रात को ही कपड़े अरेंज करने का सोल्यूशन अपनी जगह पर बिल्कुल वैलिड था. एक्चुअली हम यूजली यही करते हैं कि रात को अपने कपड़े प्रेस करके सो जाते हैं, अगर सुबह देर से आँख खुली तो फटाफट पहनेंगे और चले जाएंगे. पर जब लैगिंग स्किल होता है तो उसमें प्रॉब्लम ये नहीं कि फटाफट कपड़े पहनेंगे क्योंकि कपड़े पहनने से तैयार हैं. प्रॉब्लम इन इट सेल्फ कपड़े पहनने से है. ये जेन्युइन प्रॉब्लम है. मैंने सुना है लोगों के बच्चों को वाकई में कपड़े पहनने से प्रॉब्लम होता है. मतलब वो कहते हैं कि हमने कपड़े ही नहीं पहनने. सुनने वाले को हंसी आती है लेकिन ये बड़ा बड़ा तकलीफ दह इशू और मरहला होता है. स्पेशली अगर आपने बच्चों को स्कूल भेजना है, स्पेशली अगर मौसम के हिसाब से बच्चे कपड़े नहीं पहनना चाह रहे या कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जो कि उनको मज़ीद हार्म पहुंचाएगी, तो ये इश्यूज हैं. तो वो कहते हैं कि सोल्यूशन आपने निकालने की कोशिश की लेकिन वो सोल्यूशन उस वक्त उस बच्चे की बिहेवियरल लैगिंग स्किल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. तो अपने दिमाग को फिक्स ना कर लें कि मैंने सोल्यूशन निकाल लिया तो अब ये सोल्यूशन के मुताबिक अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रॉब्लम फिर भी अकर हो सकता है, इस चीज़ का अंदाज़ा रखें. अब आप कहेंगे इरम आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, आपने सॉल्यूशंस के बारे में तो बात ही नहीं की. प्रॉब्लम्स मसला ये है कि बहुत सारी बातें वो दरमियान में कर गए हैं और बुक जो है वो तकरीबन 300 सफ़ों की है. इस एक लाइफ में वो हो नहीं सकता था. लेकिन आई रियली होप कि बात को समझने का नज़रिया हमें ज़रूर सीखा होगा. लैगिंग स्किल्स एक ये लफ्ज़ साथ लेके जाइएगा, ठीक. और दूसरा जो है असेसमेंट ऑफ लैगिंग स्किल्स एंड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स. और इस बात को भी याद रख सकते हैं हम कि जो चीज़ है ही नहीं, एक स्किल है ही नहीं, उसको हम ओवर द नाइट बना भी नहीं सकते. उसकी वजह ये है कि बच्चा ब्रोकन नहीं है कि हमें उसे फिक्स करना है. एक सलाहियत, काबिलियत अल्लाह सुबहाना व तआला ने उसमें डाली ही नहीं है. तो फिर हमने ये देखना है कि हमने उसके साथ किस तरह से चलना है, ठीक. इंशाल्लाह ताला. जज़ाकल्लाहु खैर. बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप एडमिन का जो हमेशा मुझे मौका देती हैं आके लाइव्स करने का. इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट मंथ. टेक केयर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.